हेलो एवरीवन, आपका निरुपमा होम किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो हमने 3 आलू लिया है, 2 बैंगन ले लिया है, अदरक और लहसुन चॉप कर लिया है, प्याज टमाटर और धनिया को काट के रख लिया है। अब हम इस तरीके से अपने बैंगन को 2 पार्ट में इस तरीके से काट लेंगे, बिल्कुल आधा आधा। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सरसों तेल या जो भी आप तेल खाते हो उसे आप लगा दें, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले बैंगन को भी इस तरीके से काट लेंगे और फिर इसमें भी हम तेल लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी और छिलका निकलने में भी आसानी होगा। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं आग पर। और हमने 3 लाल मिर्च ले लिया है और इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं आग पर इस तरीके से, एक एक करके, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। अब हम अपने बैंगन को, एक साइड पक गया है, इसे भी पलट देंगे इस तरीके से। हमारा जब बैंगन पक जाएगा तो थोड़ा सा साइड में हम एक टमाटर भी रोस्ट कर लेंगे, एक हमारा बैंगन और टमाटर जो है लगभग लगभग रेडी हो गया है, रोस्ट हो गया है। तो इसे अब हम उतार लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके छिलके को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और इजली निकल जाती है रोस्ट होने के बाद। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और एक साइड में इसे रख देंगे, इसके छिलके को। ये देखिए, हमने इस तरीके से दोनों बैंगन के छिलके को निकाल लिया है और एक बार इसे चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसे चेक करने के बाद इसे कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया है और एक बैंगन का हम अलग टाइप से भरता बनाएंगे और एक का अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, एक को हम एक बर्तन में डाल लेते हैं बैंगन को, और रोस्ट किए हुए टमाटर को डाल लिया हमने। अब इसमें जो हमने 3 आलू बॉईल करके रखा था उसे डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और हल्का सा अदरक डाल देंगे इस तरीके से। इसमें अब हम प्याज काट के रखे थे उसे डाल देते हैं, थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया है उसे डाल देंगे, और जो हमने लाल मिर्ची को रोस्ट करके रखा था उसे या तो आप हाथ की सहायता से तोड़ ले या फिर इस तरीके से चाकू से कट करके छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से डाल देंगे। तो इससे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सरसों तेल डाल दिया है और नमक स्वादानुसार, और इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हम मिक्स कर लेंगे हाथ की सहायता से भी, हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हमने ऐसे कर लिया है। लीजिए, हमारा एक तरीके का चोखा तैयार है। अब हम दूसरे तरीके से बैंगन के चोखे को या भरता को, आप जो बोलते हैं, इसे बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने सरसों तेल डाल दिया है। सरसों तेल से क्या होता है, टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम इसका ही यूज़ करते हैं इसमें, आप चाहे जो भी खाते हो। और इसमें हम थोड़ा लाल मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। इस तरीके से हम इसे डाल के थोड़ी देर इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें थोड़ा ऑनियन डाल देंगे, इसे भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें हम जो टमाटर को रखे हैं उसे डाल देंगे। इस तरीके से हम सभी को पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। और जब हमारा यह पक जाए तो इसमें हम एक बैंगन जो बचा था उसे डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, नमक स्वादानुसार इस तरीके से डाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं
जिससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। ये लीजिए, हमारा दूसरे तरीके का बैंगन का भरता बनकर रेडी है। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे।